पदों भाग्यवान आत्माएं अनुभव करते हो। इतना श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी भी आत्मा का नहीं। चाहे कितनी भी नामी ग्रामी आत्माएं, लेकिन आपके भाग्य के आगे उनका भाग्य क्या है? वह अलकल का भाग्य ब्राह्मण आत्माओं का है, अविनाशी भाग्य, सिर्फ इस एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म का है। पाप का बनना अर्थात भाग्य के वर्षा अधिकार में मिलना, तो अधिकार तो मिल गया। बच्चा अर्थात अधिकार अर्थात वर्षा, अधिकार का नशा है कि कभी उतरता चढ़ता है। वो मस्ती मस्ती नहीं होती जो उतरती और चढ़ती है, सदा चढ़ी रहे। भाग्य के बस अधिकार का नशा रहता है, उतरता चढ़ता है। आधा कलप तो नीचे ही उतरे, अभी क्या करना है? चलना है, चढ़ना है या उठना है? क्या कहेंगे? चलना है, चढ़ना है या उठना है? ऐसे ही उठ जाएंगे, करना तो पड़ेगा। हल्की चीजों पर उठती भारी नहीं उठती है। मन बुद्धि से कहीं भी भारी रहोगे तो ऊंचे सूक्ष्म उठ नहीं पाएंगे। बाबा प्रश्न, उठने वाली चीज कभी भी बीच में रुकती नहीं, रुकेंगे तो नीचे आ जाएंगे। थोड़े से समय में भी रुकेंगे फिर उठेंगे तो मंदिर पर कैसे पहुंचेंगे? कभी रुकोगे कभी उठोगे तो मंदिर पर कैसे पहुंचेंगे? इसलिए सदा उड़ते रहो। लेकिन सदा कौन जो हल्का होगा, न तन का न मन का न स्वंदों का पूछो। तन का भी बोझ नहीं, आज लोग हेल्थ कॉन्शियस बहुत है, लेकिन होना भी चाहिए, क्योंकि सेवा जितनी भी करोगे वो तन से ही कर पाओगे। तन के बिना आत्मा कुछ भी नहीं कर पाएगी। न तन का न मन का न स्कंधों का बोझ, अगर बोझ नहीं है फिर रुकते क्यों? कहीं कहते मेरे पास कोई बोझ नहीं, आप कहते मैं रुक क्यों जाता? आप सब तो डबल लाइट हो, मेरे पन की खोट को समाप्त कर। भरपूरता का अनुभव करने वाले संपूर्ण ट्रस्टी भाव, मेरे पन की खोट को समाप्त कर। भरपूरता का अनुभव करने वाले संपूर्ण ट्रस्टी भाव, यदि बाप की श्रीमत प्रमाण निमित्त बनकर बहु ना मेरी पर व्यक्ति है ना मेरा सेवा। बाबा किसी एक को नहीं समझाते, हो तो बाबा है मैं को भी कह रहे हैं और आप सभी को भी कह रहे हैं।
ना मेरी प्रवृत्ति और ना मेरा सेंटर। प्रवृत्ति में हो तो भी दृष्टि, सेंटर पर हो तो भी सब आपके सेंटर है, ना कि मेरे। इसलिए सदा शिव बाप की पंडारी है, ब्रह्मा बाप का पंडारा है। इसलिए सदा शिव बाप की पंडारी और ब्रह्मा बाप का पंडारा है। इस स्मृति से आप सदा भरपूरता का अनुभव करेंगे। मेरा पन लाया तो पंडारा और पंडारी में कभी भी हरकत नहीं। किसी भी कार्य में अगर कोई खोट अर्थात कमी है, किसी भी कार्य में अगर कोई खोट अर्थात कमी है, इसका कारण बाप की बजाय मेरे पन की खोट अर्थात अशुद्धि वेक्स है। किसी भी कार्य में अगर कोई खोट अर्थात कमी है तो इसका कारण बाप की बजाय मेरे पन की खोट अर्थात अशुद्धि वेक्स है। बाप समान बनना है तो समझना, चाहना और करना तीनों को समान बनना। बाप समान बनना है तो समझना, चाहना और करना तीनों को समान करना।